इसके अंदर मीडियम गहरा अपने को काफ़ी लेट देखने को मिला है अदर मतलब ब्रांड से, क्या रीजन है इसका जी? आजा तेरी ये बात थी। राम राम जी, आपका एक बार फिर तो स्वागत है ट्रैक्टर लवर यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज आए हुए थे स्वराज की एजेंसी के अंदर जो महेंद्रगढ़ में राजा राम ट्रैक्टर के नाम से, तो काफ़ी किसान भाइयों के सवाल थे उनको क्लियर करेंगे और जो नया मॉडल लॉन्च हो उसकी जानकारी भी लेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंदर। तो आज हमारे साथ है महिपाल यादव जी महेंद्रगढ़ एजेंसी से। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे हो भाई साहब? बढ़िया अंकल जी। तो ये मैं ये बात कर रहा था कि जो स्वराज है कि आप जो ये मानते हैं कि जैसे पहले हमारे किसान को इन चीजों की ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे जो खेती होती है वो लगभग बाजरा, ग्वार, सरसों, जो चना और गेहूं की फसल होती है, और दूसरे प्रांतों के अंदर जो पहले ट्रैक्टर हमारा आ चुका था, ऐसा नहीं है कि हमारा ट्रैक्टर नहीं था या कंपनी ने लॉन्च नहीं किया। लो आई मीन ये मोड जो है एबीसी के नाम से इसको बोलते हैं, एबीसी गियर बॉक्स, वो पहले भी उपलब्ध था। अच्छा अच्छा। और यहाँ आने का लेट की बात कर रहे हैं, हमारे अभी आना शुरू हुआ है, जैसे हम पिपला हुआ, रोटावेटर हुआ, सुपर सिलेंडर वगैरह का जो ना काम अभी हो रहा है, लेवलर गोड़ी कंप्यूटर गोड़ी का हुआ, ये अभी आना शुरू हुआ है। उससे पहले तो हमारे जो ना डीटी वाल भी किसी ट्रैक्टर में नहीं आते थे, आज तो सभी ट्रैक्टरों में डीटी वाल भी आना शुरू कर दिया, हमारे तो काफी लंबा टाइम से आ रहा है। स्वराज जो 744 है इसके अंदर पहले एफ ई मॉडल आता था जी जी, फिर एक्स टी आया जो 4 स्टार, अब 5 स्टार भी XT आ गया, 5 स्टार भी जल्द ही मार्केट में आने वाला है। हाँ, लॉन्च हो चुका, मतलब हो चुका। तो उसके अंदर भी क्या है कि मतलब मीडियम गियर देखने को नहीं मिला 50 HP कैटेगरी के अंदर। हाँ, इसका क्या रीजन है? इसका यही है कि हमारे किसान को अगर जो है लो हाई मीडियम की जो बातें आती है तो वो उसमें हाई ट्रैक्टर जो है हाई हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चाहिए, और हमारा जो है यहाँ जो किसान है उसको 45 से 55 हॉर्स पावर तक के ही ट्रैक्टर 58-57 हॉर्स पावर तक के जो ले पाते हैं, लेकिन 60 हॉर्स पावर से ऊपर की हमारे किसान को जरूरत है, अभी नहीं है, क्योंकि आगे लोग जो है छोटे जो है जमींदार है, बड़े फार्मर नहीं है, इसलिए जो तो ये जो 855 साइड गियर में आया है इसका जो मतलब गियर के अंदर जो नीचे ज्वाइंट किया गया है वो पायदान के ऊपर देखने को मिलता है अपने को, अदर ब्रांड के अंदर वो पायदान के नीचे होता है, मतलब कि उसका मेन रीजन क्या है? हाँ, उसका मेन रीजन यही है कि हमारा जो वो प्लेटफॉर्म, हाँ प्लेटफॉर्म, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, आने वाले टाइम में मैकेनिकल जन अगर उसमें परेशानी बढ़ती है, लेबर बढ़ जाती है, अगर ऊपर हो तो हमारा जो किसान भी जो है ना आजकल टेक्नोलॉजी वाला है, अगर कोई वाशर का है, कोई सबिंग का है, कोई और है, लेबर का कोई है, लेबर का तो तुरंत ऊपर ही अपना उसकी लेबर चार्ज भी बहुत कम होता है, हमारे फैसिलिटी एक्स्ट्रा है दी गई। जो 855 लो आई मीडियम के अंदर आया है इसकी लंबाई बढ़ाई गई है 6 से 7 इंच, बिल्कुल तो इस के अंदर जो है लंबाई बढ़ाई गई है, और लंबाई बढ़ाने का मेन कारण यही है जो ड्रावर के ऊपर सुपर सीट है, उसके बाद मेमरी प्लाउ है या लेवलिंग गोड़ी है या लेकिन लोड वाली, गहराई वाली, वजन वाली जो चीज जो है उसके ऊपर जो इंप्लीमेंट से चला पा रहा है वो आराम से हमारा ट्रैक्टर चलाएगा, और लंबाई बढ़ाने का कारण ये है कि ट्रैक्टर गहराई भी ज्यादा लेगा और जो है आगे से अप भी नहीं होगा। अच्छा अच्छा। यानी कि उठने की जो है कैपेसिटी है वो हमारे ट्रैक्टर के अंदर नहीं है, इसलिए गहराई भी लेगा और लेवलिंग जो है कम। तो 744 XT आए जो ये 50 HP कैटेगरी के अंदर है, हाँ, ये आप तो इसको है ना मतलब कि 50 HP कैटेगरी में बेस्ट माना जाता है, कंपनी ये बोल रही है, बिल्कुल बेस्ट। तो क्या ये बात सच है? ये सच्चाई है, आज जो है कंपनी के अंदर 20 से 22 ब्रांड जो है कंपनी अलग अलग जो है ट्रैक्टर मॉडल आ रहे हैं, तो 50 हॉर्स पावर का हमारा जो है 744 XT जो मॉडल है इसके लेवल में आज कोई भी किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो ना लॉन्ग लाइफ है, मेंटेनेंस खर्चा नहीं है, सारे फीचर उसके अंदर लगे हैं, लो हाई गियर भी होगा, उसके बाद में पावर स्टीयरिंग भी होगा, साथ में जो ना लीवरी होगा। जो आप बता रहे थे IPTO का मतलब क्या होता है? IPTO क्या होता है कि जैसे मतलब पहले में जो है डबल क्लच में जो आता था तो दोनों जो ना पैर से काम करते थे, हां पैर से काम करते, और अब जो है IPTO का लीवर जो ना अलग से दे दिया, उसका डायफ्राम जो ना ज्यादा बढ़ा दिया, तो क्या है क्लच भी सॉफ्ट होगी और उसकी जो ना लाइफ भी बढ़ा दी, इसलिए जो है IPTO उसको जो ना लीवर देते हैं, उसमें सॉफ्ट क्लच है, लंबे टाइम तक जो ना चलने वाली है और क्लच का कोई झंझट नहीं है। अच्छा अच्छा।
तो अभी कंपनी 970 मॉडल लॉन्च किया है स्वराज का। जी जी, काफी टाइम से। तो ये क्या है कि मतलब 855 जो 744 मार्केट बना पाया है अब तक, काफी अच्छी मार्केट 855 744, तो क्या ये भी ऐसी मार्केट बना पाएगा? ऐसा है कि पहले किसान की जो जरूरत थी, हमारे किसान की जरूरत थी, यहाँ मतलब ऊंट से बैल से काम करते थे, फिर तो उसके बाद में हमारे जो 2500 3000 3500 तक के ही ट्रैक्टर बिकते थे। क्या हमारा ट्रैक्टर 724 और 735 जबरदस्त जो है मार्केट में बिका है? अच्छा। अब ट्रैक्टर की जैसे ही मांग हुई उसी HP की जो मांग हुई किसान की, हमारा 744 अच्छा बिका, 855 लंबा टाइम से जो ना बिक रहा था वो भी अच्छा बिकना शुरू होगा। आने वाले टाइम में जब इम्प्लीमेंट्स अगर चेंज होंगे, बहुत सारी टेक्नोलॉजी चेंज होगी, तो 869 भी जो मॉडल है वो भी अच्छा बिकेगा, 963 भी जो मॉडल है बहुत बढ़िया बिकेगा, इसके अंदर फ्यूचर अच्छे है और लॉन्ग लाइफ वाले हैं। तो क्या स्वराज का जो ट्रैक्टर है 3 सिलेंडर के अंदर ही देखने को मिलता है 60 HP के, मतलब कैटेगरी में 60 HP 65 HP के जो कैटेगरी के किसी भी कंपनी के दूसरे जो ट्रैक्टर होते हैं 4 सिलेंडर के ऊपर चलते हैं, तो स्वराज 3 सिलेंडर के अंदर, स्वराज 3 सिलेंडर के अंदर लोग जो पसंद करते हैं, 4 सिलेंडर को पसंद नहीं करते, 3 सिलेंडर को पसंद करते हैं। दूसरी ये है कि हमारी जो साउंड है, जो ट्रैक्टर की जो साउंड है उसको मतलब बहुत प्यार से मतलब लोग कहते हैं कि हाँ ये साउंड जो है स्वराज की है, तो उससे जो है प्यार, इसलिए जो है कंपनी ने 3 सिलेंडर का ही मॉडल जो है इन्होंने सारे ट्रैक्टरों में रखा। क्या है कि 50, 55, 60 HP कैटेगरी के अंदर जी जो पावर स्टेरिंग है वो बीच में वो जैक मिलता है, हाँ, इसके अंदर सिंगल एक्टिंग पावर स्टेरिंग है, हमारे इसके पीछे क्या राज है? हमारे ट्रैक्टर के अंदर सिंगल एक्टिव है, हाँ। तो इसके अंदर यही है कि वो आपने जो पहले मेरे से जो आपने पूछा गया था कि आपका एक्सी मॉडल 50 HP की श्रेणी के जितने भी ट्रैक्टर है किसी भी कंपनी के, तो उसमें बेस्ट है, हाँ। तो ये सारी चीजें जो है उसमें उसका जो स्टेरिंग का जो खर्चा है वो उसमें खर्चा, तो इसलिए हमारा जो है कीमत के में भी वैसे बेस्ट है, कीमत में बेस्ट है और ये कम खर्चे वाली चीज है, तो लॉन्ग लाइफ वाली है, तो थोड़े चीज में पैसे में ही काम चल जाता है। तो 744 है इसका मतलब, कलर की बात करें तो एक कलर और बता रहे हैं रेड कलर मार्केट के अंदर, तो अपने मतलब मिलता नहीं देखने को अपने मार्केट में, महेंद्रगढ़ हुआ जो समथिंग अराउंड जो भी एरिया इसमें। ऐसा है कि शुरू से हमारा रहा है कि अगर जो है 744 अगर रहा है तो नीले कलर में पसंद करते हैं, हाँ, नीले में और व्हाइट सी कुछ, और हमारा 850 उसको लाल कलर में पसंद करते हैं। अभी लाल कलर का है हमारे यूपी में जाता है, महाराष्ट्र में, गुजरात में भी लाल रंग, 744 ऐसा नहीं है, यहाँ जो ना पसंद करते हैं वो नीले कलर का ही पसंद करते हैं। अगर स्वराज 855 लेना है तो उसको रेड कलर का ही है, क्योंकि नीले कलर में ये भी आता है। अच्छा, 855 है, 855 भी आता है। अच्छा, हमारा जो है चेरी कलर का भी जो ना आया था उसको भी जो उसने उसको पसंद नहीं किया, इसी रेड को जो है पसंद करते हैं, तो जो पसंद है वही जो माल मार्केट में जो उसने लिया जाएगा, वही जो लोग पसंद करेंगे वो माल। तो मतलब कि 744 XT 4-star और 744 XT 5 स्टार जी, क्या फीचर में चेंज किया गया है? ऐसा है कि समय अनुसार जो है चेंजिंग होना चाहिए। 5-star जो हमारा ट्रैक्टर है उसके अंदर कुछ एक जो है, जैसे IPTO की जो बात कर रहे थे पहले, उस ट्रैक्टर के अंदर IPTO लगा दिया, अच्छा, कलच बड़ा कर दिया, साइड शिफ्ट, वो साइड में कलच दे दिया, साइड में कलच दे दिया, पीछे हिच लीवर दे दिया, उसके अंदर जो है कुछ फीचर बढ़ाए, जैसे हमारे ट्रैक्टर के अंदर जहाँ स्टार लगती है वैसे ही जुनून के हिसाब से फीचर चेंज हो जाते हैं। तो क्या है कि हर ब्रांड अपना ट्रैक्टर है जो साइड शिफ्ट गियर में दे रही है, स्वराज इसको मतलब कम पसंद कर रहा है साइड शिफ्ट गियर देने नहीं, के लिए स्वराज नहीं कर रहा, ये सारा जो है हमारा कस्टमर जो है, जो जमींदार है उसकी जो है सोच है, अब सेंटर गियर में ही जो है इसके एवरेज की बात करें तो एवरेज कैसी है? एवरेज की बात करें तो एवरेज किस चीज की? रोड की हो गई, और रोड की एवरेज है, रोड की मतलब ये है कि अगर जो ना हम हाईवे के ऊपर ले जाते हैं, रोड अच्छा है तो उसके बाद में 10-11 किलोमीटर की एवरेज देता है। अगर जो ना रोड हमारा जो ना ये मान के चलो कि महेंद्रगढ़ से सेलंग जाना है, महेंद्रगढ़ से जो ना बुआना जाना है, या महेंद्रगढ़ से जो ना बुआनिया
पचास जाना है तो सारा रोड टूटा पड़ा है, उसकी क्या एवरेज निकालेंगे? ये तो सरकार हमारे जो ने सोचे और किसान की एवरेज तो जो ने सरकार निकालेगी, ट्रैक्टर नहीं निकाल पाएगा। अच्छा अच्छा, तो खेती के अंदर तो बताइए सर, एक एकड़ के अंदर मतलब हैरो हुआ, रोटावेटर के अंदर, हैरो के अंदर ये मान के चलो सवा दो से ढाई लीटर की एवरेज होने मान के चलते हैं, अगर पूरी गहराई लेंगे तो। एक किसान भाई से हमारी मुलाकात हुई थी तो वो बोल रहा था कि मेरा तो एक एकड़ के अंदर हैरो के अंदर 14 का हैरो है, 744 एफई मॉडल, 4 लीटर की एवरेज दिखा रहा है। नहीं नहीं, वो अगर हो सकता है उसमें टायर का प्रेशर ज्यादा हो या उसके अंदर जो है वो गिला जो है खेत हो या उसके ऊपर एक्सपर्ट जो ड्राइवर ना बैठा हो या उसकी हैरो में कोई दिक्कत हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम गारंटी से मतलब बोल रहे हैं और हम तो वो लेके चलते हैं, हमारी जो टिप्पी रोड वाली जो जमीन है जो ना ऊंची नीची है और लेवल जमीन होगी तो 2 लीटर की एवरेज जो हमारा ट्रैक्टर देगा। किसी भी किसान भाई को अगर जो निकालनी हो तो उसका भी एक माप तरीका है पूरी, मतलब जो ना इसके अंदर जो ना हवा का प्रेशर वगैरह जो ना लेवल करके उसके बाद में हैरो वगैरह जो उसको सेलेक्ट करके और उसको मतलब पूरी टंकी भर के और आप 1 या 2 एकड़ जो है दोनों जो अगर बाग है उसके बाद में वही लाके नाप के और दूसरे उसमें तेल डाल दे, बिल्कुल उसको 2 से 2.25 से नीचे ही एवरेज आएगी, ये गारंटी है। तो एक सवाल और है, काफी किसान भाई ये पूछ रहे थे कि कई काफी किसान है जो इंजन के अंदर टर्बो लगवा लेते हैं जी, तो कंपनी इस चीज को प्रेफर करती है या नहीं करती, लगवानी चाहिए या नहीं, क्या साइड इफेक्ट है इसका? नहीं नहीं, वो सही है, टर्बो लगवाना बुरी बात नहीं है, ट्रैक्टर की पावर बढ़ाता है, इंजन की पावर बढ़ाता है, परंतु वो किस चीज में लगाता है, कैसे लगाता है, वो एक अलग तरीका है। टर्बो लगता है जो एयर के हिसाब से, एक लगाते हैं साइलेंसर के गैलरी के हिसाब से। टर्बो टर्बो का अंदर यह है कि जब से हम क्या आगे ट्रैक्टर के अंदर गियर कुछ होगा, राउंड ज्यादा होंगे तो टर्बो कामयाब नहीं हो पाएगा। अच्छा अच्छा, अगर ऐसा अच्छा होता तो कंपनी भी क्यों नहीं लगा देती, कंपनी लगा देती। और टर्बो लगाने के अंदर क्या है, उसके अंदर 30 से 35 हजार रुपए जो कीमत बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, देना पड़ता है जमींदार, तो टर्बो का कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद आपका जी, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।